बेंगलुरु में भारतीय टीम का कंडीशनिंग कैंप चल रहा है और इस कंडीशनिंग कैंप में यूरो टेस्ट भी हो चुका है और तमाम खिलाड़ी लगातार नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अपने फिटनेस का टेस्ट भी दे रहे हैं और इन तमाम गतिविधियों के बीच में एक खिलाड़ी सुर्खियों में है और इस खिलाड़ी का नाम के राहुल है। अब बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही है कि आखिर के राहुल बार बार भारतीय टीम में अनफिट होने के बावजूद जगह कैसे बना लेते हैं, बार बार उनको टीम का वाइस कैप्टन कैसे बना दिया जाता है, आईपीएल जैसे ही आता है वो टीम के कैप्टन कैसे बन जाते हैं और जब उनका फॉर्म गड़बड़ाता है तब उनको बैक करने के लिए टीम मैनेजमेंट सामने आ जाता है और यहां तक कि सिलेक्टर्स भी उनको बैक करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ऐसा क्या खास देखने को मिल रहा है या उनके रिकॉर्ड्स ऐसा क्या कह रहे हैं, हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है। अब चूंकि एशिया कप के लिए के राहुल को टीम में चुना गया लेकिन साथ ही टीम में चुनने के साथ ही यह कह दिया गया कि बैकअप खिलाड़ी के तौर पे संजू सैमसन टीम के साथ जाएंगे, यानी कि एक बात तो साफ है के राहुल पूरी तरह से फिट नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह आपको बता दें कि अभी 3 दिन हुए कंडीशनिंग कैंप शुरू हुए, तीनों ही दिन के राहुल ने कोई फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है, कोई यो-यो टेस्ट उन्होंने नहीं दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। और ये भी खबरें निकल कर आ रही है कि एशिया कप के शुरुआती 2-3 मैचेस में के राहुल टीम का हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। फिर ऐसी आखिर क्या मजबूरी है कि के राहुल के पीछे टीम मैनेजमेंट भी भागती है, कप्तान भी उनके पीछे भाग रहा है और साथ ही अगर हम बात करें तो सिलेक्टर्स का भरोसा अभी भी के राहुल पे बना हुआ है। अब के राहुल की बल्लेबाजी को अगर एनालिसिस करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद कोई तीसरा बल्लेबाज जहन में आता है तो वो के राहुल है। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिभाशाली होना काफी होता है, आपको मैदान पे जाके अपने टैलेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में, यह बड़ा सवाल है और जो नहीं कर पा रहे के राहुल और इसी वजह से के राहुल जब जब टीम में आते हैं लगातार उनपे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब के राहुल को कहा जा रहा है कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उनको खिलाया जाएगा जब वो फिट हो जाएंगे। अब मेरा सवाल यह है सेलेक्टर से भी टीम मैनेजमेंट से भी कि क्या एक प्योर बैट्समैन को आप 50 ओवर की क्रिकेट में कीपिंग कराने का जुआ उठा सकते हैं या हम कह सकते हैं खतरा मोल ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक बल्लेबाज जो 50 ओवर कीपिंग करने के आदि नहीं है, यानी कि आप बार बार ऊपर नीचे नहीं होते हैं, 20 ओवर की क्रिकेट में समझ में आता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके राउंड से विकेट कीपिंग करा लें और आमतौर पर भारतीय कप्तानों ने ऐसा किया भी है। लेकिन जैसे ही बात 50 ओवर की क्रिकेट की आती है मेरे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है और वो क्वेश्चन मार्क इसलिए कि ईशान किशन आपके साथ टीम में है, संजू सैमसन आपके साथ टीम में है और अगर आपको एक प्योर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए तो फिर आप जितेश शर्मा को भी ले जा सकते हैं, लेकिन इन तीनों विकेट कीपर बैट्समैन को दरकिनार करते हुए आप बैट्समैन विकेट कीपर खिलाना चाहते हैं। अब इस बात को समझिएगा कि कीपर बैट्समैन और बैट्समैन कीपर में क्या फर्क होता है, यानी कि आपका पहला प्राइमरी जॉब क्या है। के राहुल का प्राइमरी जॉब है बल्लेबाजी करना, अपनी टीम के लिए रन बनाना, बट टीम में उनको एडजस्ट करना है इसलिए आप उनसे विकेट कीपिंग कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर आप उन खिलाड़ियों का विश्वास करते हैं जो अच्छे फॉर्म में टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन आप उनको टीम में जगह नहीं दे रहे। मसलन ईशान किशन की बात कर लें, संजू सैमसन का चलिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन फिर भी अगर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आप देखेंगे तो मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा, ना कि मैं के राहुल के साथ जाऊंगा। और ये कोई पर्सनल गलत नहीं है, एक जो हमने देखा है हम उस लिहाज से कह रहे हैं कि क्या कुछ गलत किया है सिलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने और उसको सुधारने की जरूरत है। अगर के राहुल फिट है, 100% फिट है, एज अ बैट्समैन आप खिलाना चाहते हैं तो आप उनको टीम में जरूर लेके जाएं, लेकिन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप खिलाना चाहते हैं तो शायद मेरा वोट के राहुल के साथ नहीं जाएगा।